हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी, आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 16, आज है हमारी माही का बर्थडे। तो माही सुबह से बहुत फुदक रही है, कहीं डांस कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। मतलब होता है ना, बच्चे एक तरह से कि आज स्पेशली फील हो रहा है, तो स्पेशल स्पेशल उसे भी फील हो रहा है और वो भी मस्ती कर रही है, कभी डांस कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो सुबह से ही, सुबह जब मैंने उसको उठाया तो मैं भूल ही गई कि उसको विश करना बर्थडे। तो जब मैं बर्तन धो रही थी, वो पीछे से आई, तो मैंने उसको डांटा, पहले दातून करो फिर उसके बाद चाय पीना। तो सोना कह रही है, मम्मी डांट क्यों रही हो, आज दीदी का बर्थडे है। तो मैंने उसको बर्थडे विश किया और पहले से एक्साइटेड थी और बाद में भूल गए। यहाँ पे सारे बच्चों को हमने दे दिया है, चाय और पूड़ियाँ बन गई है खाने के लिए। तो माही का एडमिशन हो गया है नए स्कूल में, वहाँ पे जाएगी। और ये दोनों, आज इनकी गाड़ी नहीं आई है स्कूल की, तो ये लोग नहीं जाने वाली हैं, सिर्फ माही जाने वाली है। इधर जब तक जोरों से ऐसा लगा कि एकदम अचानक से मौसम ख़राब हो गया और अब लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है। तो भाग करके सब लोग आ गए हैं छत पे। यहाँ पे सरसों, कपड़े, चारा, बहुत सारी भूसा, सारी चीजें छत पे फैली हुई थी, सबको दोनों जन मिल के फटाफट समेटने लग गए हैं। और एक हमारे भैया हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उनके बेटे का शायद बर्थडे है या फिर उनकी बेटी का बर्थडे है, कल ही था। तो उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं उन सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बारिश ना अचानक से ऐसा हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छत पे पड़ी हुई थी, तो ये था ही नहीं कि बारिश होगी, तो सबको पहले से समेट ली, तो अचानक से भाग भाग कर आना पड़ा। पे जो कुछ भी था दोनों हस्बैंड वाइफ ने निपटा लिया। और फिर वहाँ से मैं पन्नी लेकर के ये ब्लू वाली भागी चली आई यहाँ पे, कि जो मैंने उपले पात के रखने, इन्हें भी ढक के रखना है, नहीं तो ये भी भीग जाएगी। और सब लोग अपना अपना समेट रहे थे। और उसके आधे घंटे बाद फिर से वापस मैं छत पे आ गई हूँ, तो बारिश जो हो रही थी टिप 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 वाली ना, वो निकल चुकी है और हवा थोड़ी सी तेज चल रही थी। तो ये सरसों हमें फटकना था जो मैंने सुखवाया था, पहले पेड़ से काटा गया, फिर सुखवाया गया, फिर थ्रेसर से कटवाया गया, फिर घर में लाके छाना गया, फिर उसके बाद हवा में उड़ाया गया, फिर उसके बाद सूप से फटका जा रहा है। मतलब इतने सारे प्रोसेस होते हैं तेल निकालने के लिए, सोच भी नहीं सकते आप सभी। इतना सारी, मतलब बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, मेहनत करते हैं, लेकिन शुद्ध जो सरसों का तेल है वो हमें मिल जाता है, तो अच्छा लगता है कि हमने अपने हाथों से तेल को बनाया और निकाला, तब हमें यकीन होता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है बालों में लगाने के लिए। और सरसों इतनी बारीक चीज़ है ना, इतनी बारीक चीज़ है कि ये जो दाना दाना आपको दिख रहा है नीचे गिरा हुआ, इसे उठाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सरसों ना ऐसी चीज़ है जिसे हम चुटकी से नहीं उठा सकते। अगर ढेर सारा हो तभी हम चुटकी में ले सकते हैं, नहीं तो इसे उठाना मतलब पहाड़ उठाने के बराबर हो जाता है। बाकी तो हमने फटक लिया था, थोड़ा सा ही फटकना बाकी रह गया था, तो बस ये जो पीछे का रह गया है इसमें भी करीब 250 ग्राम तक सरसों अभी निकल आएगी, तो इसको सूप में डालेंगे और इसको भी फटक लेंगे। तो दोस्तों हम नहा चुके हैं और नहा करके रेडी हो गए हैं। आज हमने ये वाली साड़ी पहन ली है, हमने कहा आज माही का बर्थडे है, तो आज सुबह से ही हम तैयार हो गए हैं और 10 बज रहे होंगे, 9:30। और ब्लाउज़ यही वाला हमने पहन रखा है, इसका ब्लाउज़ ब्लैक है लेकिन वो हमें लूज़ आ रहा है, तो इसलिए डेली वाला ब्लाउज़ हमने पहन लिया है और थोड़ा सा तैयार हो गए। बाल में कंघी रह गई है, जा रहे पानी लाने के लिए, खाना बनाएंगे इस समय, और खाना पीना बनाने खाने के बाद ही आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि शाम का क्या प्रोग्राम है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आप सबको दिखाएंगे। अभी तो माही हमारी स्कूल गई है, उसका नया एडमिशन हुआ है, आज नए स्कूल में गई है माही हमारी, और बहुत एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए, तो घर के यूनिफॉर्म ड्रेस पे गई है। और देखते हैं कितने बजे लौटती है, हमें भी अंदाज़ा नहीं है क्योंकि आज नए स्कूल में गई है और हमने उसका एडमिशन करवा दिया है कहीं और, तो देखते हैं।
हमारे घर में पिछले कई दिनों से हमारे चारों बच्चों के पास स्लीपर नहीं थी, सब की टूट गई थी और सबको स्लीपर लाना था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सबका स्लीपर एक साथ टूट गया है। अभी तो नहीं पहनता सर स्लीपर, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे भी स्लीपर आया हुआ है। ये गए थे मार्केट और मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो ये दोनों स्कूल नहीं गई थी और माही तो स्कूल गई है, उसका नहीं नापा गया है। और ये अभी का है, तो अभी को मैं पहले ट्राई करवाऊंगी कि उसको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे अभी स्लीपर पहनना नहीं आता है ठीक से। तो ये दोनों काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि इनका नया स्लीपर जो आ गया है। आज है माही का बर्थडे, तो माही के पापा ने कहा माही के पास स्लीपर नहीं है, चलो इसको गिफ्ट में स्लीपर ला के देते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर किसी एक के लाए एक को लाऊंगा तो बाकी के तीनों रोएंगे, तो इसलिए सबको एक साथ ले चलते हैं। तो आज सुबह खाने में बना है आलू और बीन्स की भुंजिया और रोटी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि सुबह से बच्चे बोल रहे थे मम्मी पापड़ फ्राई करो, सुबह तो इतने काम होते हैं, स्कूल भी, मुझे लगा सब जाएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं फ्राई किया था। फिर अभी हमने कहा चलो कर देते हैं तो सब लोग खा लेंगे। और पीछे की वीडियो में मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें माही के पापा लेके आए थे मकोया, और उसे ना ये इसे मकोया को एक फल होता है, और पूजा पाठ में शिवरात्रि में और जो एक त्यौहार आता है रात में संकट चतुर्थी, तो इसमें ना इसको चढ़ाया जाता है। और ये गांव में ना बहुत होती है, इसकी खेती भी गांव में होती है, हालांकि हमारे यहाँ आसपास इसकी खेती नहीं है, लेकिन अगल बगल के गांव में इसकी खेती भी होती है। तो ये मार्केट में बिकने के लिए आया है। गाँव के लोगों से आप पूछोगे मकोया क्या होता है, छोटी बड़ी मकोया होती है, तो ये बड़ी वाली थी जो हम लोग खा रहे थे, और यही आपने पूछा था तो मैंने कहा बता देते हैं। और इधर हमारा पापड़ भी फ्राई हो गया। दोपहर के 3:15 बजे का टाइम हो रहा था, तो आ गया है छोटा वाला भाई, तो उसी के लिए मैं चाय बना रही थी। चाय बना के भाई को दे करके तुरंत ही हम लोग निकल पड़े थे खेत के लिए। और यहाँ पे आ गए हैं हम खेत, क्योंकि यहाँ पे काटनी है बरसीम। अभी भी हमारे साथ ही आता है, जब भी हम आते हैं तो ये जरूर आता है, क्योंकि इसको नहीं लेके आएंगे तो ये रोने लग जाता है। जब हम लोग घर से आए खेत बरसीम काटने के लिए, तो बरसीम काटते ही काटते लाइट चली गई थी, तो मशीन में ऐसे कट नहीं सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे चारा कटना है कट रहा होता है, यहाँ पे काफ़ी गंदा था, तो हरे चारे ख़राब हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे झाड़ू लगा के पहले साफ़ कर देंगे। और आप लोग बोल रहे थे दीदी अभी देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया, और वीडियो में भी बोल रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, देखते देखते कितना बड़ा हो गया। और ये आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हुआ है, जो हमारा बेटा इतनी जल्दी बोलने लग गया और दौड़ रहा है, मतलब जो भी कहो वो सुनता भी है। तो अब हम घर के लिए निकल पड़े हैं। खेत से ही हम व्हाइट वाले फूल की 8-10 कलियां लेके भी आए हैं, क्योंकि सुबह जब पूजा पाठ करनी होती है ना, तो फिर इतनी दूर खेत को ही नहीं जाता है। कभी भी मुझे पूजा पाठ करते टाइम फूल मिल ही नहीं पाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब फूल नहीं होता है ना पूजा करने में, तो बिल्कुल मज़ा नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। तो हमने कहा चलो लेके चलते हैं, आ गए हैं तो फ्रिज में रख देंगे, सुबह काम आ जाएगी। मेरे सारे भाई बहन और जो बड़े माँ बाबूजी वीडियो को देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि आज माही का बर्थडे है, लेकिन मैं तो वही कर रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ। तो ये जा रहे हैं मार्केट और माही के बर्थडे का सामान वगैरह लाने के लिए, और रसोई का भी सामान ख़त्म है। तो ये मुझसे पूछ रहे थे क्या लाना है क्या नहीं, तो वही मैं इन सबको बता रही थी। और 1 घंटे के बाद ये चौराहे से वापस भी आ गए हैं, तो जो सामान नहीं थे घर में वो लेके आए हैं, और जो ज़रूरी था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसका बनाना है दूध लपसी, और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है, और चाय पत्ती है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये शाम का टाइम हो रहा है, तो पूड़ियाँ फ्राई की जा रही है, और चीनी भी साथ में लेके आए। साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा होगा या फिर 7 ही बज रहे होंगे, दोस्तों ठीक से आइडिया नहीं, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं रसोई में, पूड़ियाँ फ्राई कर रहे थे, और बन रही है पनीर और पूड़ियाँ, और बन रहा है दूध लपसी।
और इधर माही तीनों बहनें कर रही हैं माही के बर्थडे की तैयारियां, बैलून्स वगैरह फुला रही हैं, अभी भी साथ में हैं तो तीनों चारों इसी में मस्त हैं। ये देखिए हमारी दूध वाली लेप्सी बनके तैयार हो गई है। पहले के ज़माने में जब शादियाँ वगैरह होती थी तो उसमें दूध लप्सी मिला करती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। दही भी मिला करती थी, दूध लप्सी भी मिला करती थी, अब तो घर में बनाना पड़ता है। और इधर भाई ये वाला भी आया है और छोटा वाला भी आया है। तो ये भाई जब आया था ना तो ये केक लेके आया, माही के पापा लेके नहीं आए क्योंकि ये झलवा तरफ से आ रहा था और माही के पापा गए थे पास के चौराहे पे, तो यहाँ पे अच्छा खासा नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन किया था कि लेके आना केक, तो केक और बैलून्स वगैरह लेके आए, भाई ही लेके आया था। अभी यहाँ इतना एक्साइटेड है ना। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि माही का यहाँ बर्थडे है लेकिन माही यहाँ पे अपने पुराने कपड़े पहन के बैठी है, क्योंकि अलमारी पे आप देख रहे हो क्या कर रखा है इन लोगों ने, पूरी अलमारी पे बिना पूछे तीनों बहनों ने मिलकर बैलून्स लगा दिया है। अब मैं इनका कपड़ा निकालूँ तो कैसे निकालूँ। मैंने सोचा था कि आज माही का बर्थडे है तो मैं सुबह से नई साड़ी पहन ली हूँ और शाम को चारों बच्चों को अच्छे से तैयार कर दूंगी, लेकिन जो सोचा था सब पे पानी फिर गया है। माही से मैंने कहा ये क्या कर दियो अलमारी पे, कपड़ा कौन सा पहनाऊँ, तो इसने इतने में ही बहुत खुश थी। मतलब बच्चे होते हैं ना बड़े मासूम से, उनके लिए कुछ भी करो तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो इनको माही कह रही है मम्मी मुझे कपड़ा नया नहीं पहनना है, चलो यही ठीक है, मत निकालो अलमारी खोल के नहीं तो बैलून्स ख़राब हो जाएंगे, मैं ऐसे ही काट लूँगी केक। तो पुराने कपड़े में ही माही ने केक काटा और अभी चाकू लेके हाथ में बार बार भाग रहा है। वो कह रहा है मेरा बर्थडे है और चाकू माही को दे ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे छोटा वाला भाई बैठा, उधर देवर जी बैठे, हमारे बच्चे हैं और मैं भी हूँ, तो सब यहाँ पे जो मोमबत्ती वगैरह है वो सब लगा रहे हैं। और माही का ये 10वां बर्थडे है, तो 10 साल की हमारी माही हो चुकी है, तो अब केक काटने की तैयारी की जा रही है। केक यहाँ पे कट चुका है और अभी बार बार माही के हाथों से चाकू खींच रहा है क्योंकि उसे भी केक काटना है। ये देखिए चाकू दे ही नहीं रहा है, माही कह रही है चाकू दे दो मम्मी को खिला दे मामा लोगों को खिला दे, लेकिन मैंने मना किया कि मत खींचो भाई के हाथ से, ऐसे उसका हाथ कट जाएगा, एक बार कटवा दो उससे केक तो वो खुश हो जाएगा। और केक वाला जो भी था वो सब खत्म हो चुका है और खाना केक काटने से पहले से ही बना दिया गया था। और तो सब लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, भाई और देवर जी बैठे हुए हैं, तो मैं सबको खाना खिला रही हूँ, बच्चे भी खा लिए हैं। माही और मानसी तो छत पे बनाते टाइम ही खा ली थी और अब सबको हम खिला रहे हैं। माही के पापा नहीं, आपको नहीं दिखे होंगे क्योंकि किसी काम से वो रात में ही निकल गए हैं कहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट बिल्कुल करना मत भूला कीजिए क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं ना उसी से हमें और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो बताना मत भूला कीजिए आप लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में।